क्वेश्चन 90, ए मोटरसाइकिल हैज़ टू मूव विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए ओवर ब्रिज एक ओवर ब्रिज है जिसकी रेडियस जो है आर है, ये वाली जो लेंथ है वो एल है। इन द फॉर्म सर्कुलर और रेडियस आर हैज टोटल लेंथ एल। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, यहां से स्टार्ट कर रही है मोटरसाइकिल, ठीक है, वो इधर जा रही है और स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, हैज टू मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। स्पीड इसकी क्या है? कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट स्पीड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज क्वेश्चन जो है गलत करेंगे। कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड से इसके ऊपर मूव कर रही है। फर्स्ट पार्ट है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेलोसिटी बी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो ना हो, तो इसका फ्री डायग्राम बनाते हैं। ये ब्लॉक है, इसका वेट जो है नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगी और इसकी स्पीड जो है वो वी है, ठीक है, मान लेते वी है। तो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर एम जी माइनस एन वो किसके बराबर होगी? नेट मास इंटू सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगी। एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके बराबर होगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो कॉन्टैक्ट है, रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जीरो से कम नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, मिनिमम कितनी होती है? जीरो होती है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ब्रेक नहीं होना, तो एम जी जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू जी आर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? रूट जी आर हो सकती है। इस कॉन्स्टेंट स्पीड से वो इसके ऊपर मूव कर सकता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे ब्रेक नहीं होगा। बी पार्ट्स में आते हैं, ये तो ए पार्ट्स हो गया। बी पार्ट्स में कह रहा कि मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो वन अपॉन रूट टू टाइम्स रूट जी आर कर दें, जो फर्स्ट पार्ट में मिली थी हमें स्पीड उसका वन बाय रूट टू टाइम्स कर दें। तो ये वेयर विल इट लूज कॉन्टैक्ट विद द रोड, रोड के साथ अपना कॉन्टैक्ट कहाँ पे ब्रेक कर देगी? सपोज ब्रेक यहाँ पे कर रही है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, तो एम जी जो है यहाँ पे नीचे एक्ट करेगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? है जीरो होगी है, ठीक है, स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे अपने कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा के स्पीड नहीं निकालती है, यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? कॉन्स्टेंट है। वी यहाँ पे थी तो उसी वी स्पीड से यहाँ पे आ रहा है, तो एम जी कोस थीटा उसका सेंटर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? वी स्क्वायर अपॉन जी आर, वी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर? वन बाय टू जी आर, जी इंटू आर, कोस थीटा जो है वन बाय टू हो गया, थीटा कितना होगा? 60 डिग्री पे जाके ये क्या करेगा? अपना कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा, नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब आते हैं सी पार्ट्स, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनी वेयर ऑन द ब्रिज। इसका कहीं पे भी कॉन्टैक्ट ब्रेक ना हो, ऐसी कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, कॉन्स्टेंट स्पीड होगी, ये बताना है। सी पार्ट्स करते हैं, सपोज
ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो जस्ट जीरो ही है, ठीक है, वो स्पीड मान लेते हैं वी है। तो ये जब ये यहाँ पे आएगी तो इसकी स्पीड वी है, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एम जी है, तो एम जी का इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एम जी कोस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, किसके बराबर होगा, स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी आर कोस थीटा के बराबर होगी। वो जो स्पीड है थीटा कितना होगा, अब इसका थीटा निकाल लेते हैं, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, यहाँ तक ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, एल बाई टू होगी, ये किसके बराबर होगी, आर थीटा, ये एंगल थीटा है वो किसके बराबर, एल बाई टू के बराबर है, थीटा कितना हो जाएगा, एल बाई टू बार, इस एंगल तक यहाँ तक नॉर्मल रिएक्शन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी आर एल अपॉन टू आर कोस थीटा कोस एल अपॉन टू आर अंदर जीरो, यहाँ तक जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड है, अच्छा क्वेश्चन में मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड पूछा था, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है चाहे इसकी फॉर्मूला लेते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, एन जो वो इधर है माइनस कर देते हैं इसको, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इसको आगे करेंगे तो क्या होगा, एन जो इधर ले जा रहे हैं, एन एम जी कोस थीटा माइनस, दोबारा कर देता हूँ, एम जी कोस थीटा माइनस एन वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एन ग्रेट इसके बराबर होगा, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, तो एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस तो एम जी कोस थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर होना चाहिए, v जो है लेस देन इक्वल टू जी आर कोस थीटा होना चाहिए, और हमने यहाँ पे थीटा निकाल दिया था, जो v है वो किसके बराबर होना चाहिए, जी आर कोस एल अपॉन टू आर होना चाहिए, v की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जी आर कोस एल अपॉन टू आर किसके बराबर होगी, पहले वाले पार्ट से जब हम पहले कर रहे थे आंसर वही आया, सेम आया, पर वो नहीं पता था कि ये स्पीड जो है मैक्सिमम होगी, तो इसलिए हमें इनइक्वलिटी का लेना जरूरी था, इनइक्वलिटी की फॉर्म से हमें प्रूव किया कि ये जो स्पीड है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा करेंगे तो कहीं पे ब्रेक होगी ही होगी, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते, इसे कम कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ताकि वो इस ब्रिज पे कहीं पे भी ब्रेक हो, नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना होगा।